मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा के शहर मॉन्ट्रियल में लिबरल काबीना का सह रोजा इजलास, मुआशियात महंगाई में कमी का एजेंडा सरे फहरिस्त। लिबरल हुकाम का कहना है कि शहरियों की मदद के लिए अहम इकदाम कर रहे हैं। कैनेडियन अरकीन पार्लियामेंट मगरबी किनारे का दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। अरकीन पार्लियामेंट का कहना है कि मगरबी किनारे में सूरत हाल नाकाबिल कबूल है, कैनेडा को फलस्तीन के मसले पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। कैनेडा में भत्ताखोरी की वारदातों में भारतीय नेटवर्क के मुलाविस होने का इंकशाफ। पुलिस ने इंकशाफ किया कि भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई। पुलिस का कहना है कि 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में सर्द मौसम और तूफानी बर्फबारी, हलाकतें 90 तक पहुंच गई और मुल्क के तूलो अर्ज में लाखों अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर रवां हफ्ते के वस्त तक जारी रहने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. आइंदा साल के लिए वफाक हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से एक में मसाबकत को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए नए बैनुल अक्वामी ग्रोसरों को कनाडा की तरफ रागिब करना शामिल है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आइंदा साल के लिए वफाक हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से एक में मसाबकत को बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए नए बैनुल अक्वामी ग्रोसरों को कनाडा की तरफ रागिब करना शामिल है। 29 जनवरी को पार्लियामेंट की वापसी और इस मौसम सरमा के आखिर में मुतवक्के अगले वफाकी बजट से कबल पूरी विफाकी काबीना 3 रोज के लिए मॉन्ट्रियल शहर में है। कैनेडियंस के लिए जिंदगी की कीमतों के मसाइल अब भी सरे फहरिस्त हैं और पोल्स में ये निशानियां हैं कि वोटर्स फेडरल लिबरल्स के साथ बढ़ती हुई महंगाई से ज्यादा रिलीफ फराहम न करने की वजह से बदजन हो रहे हैं। वज़रा मीटिंग के जरिए फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं इन पॉलिसियों में जो मदद कर सकती हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें सरे फहरिस्त मसाइल में शामिल हैं। दिसंबर में खुराक की अफरात जर अब भी 5% के करीब है, जो कि मजमूई अफरात जर से काफी जायद है, जो कि गुज़िश्ता माह 3.4% थी। कैनेडियन वजीर सनत फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन ने कहा कि खाने की कीमतों में इस्तेहकाम जुज़वी तौर पर मजीद मसाबकत को मुतारिफ कराने पर मुनहसर होगा। सिर्फ 5 कंपनियां कनाडा की ग्रोसरी इंडस्ट्री का 80% से ज्यादा हिस्सा रखती हैं। शैम्पियन ने कहा कि वो गैर मुल्की ग्रोसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अब ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि कनाडा ने अपने मसाबकती कवानीन में कुछ तब्दीलियां की हैं। उन्होंने कहा पिछले साल की एडजस्टमेंट में लीज पर पाबंदियों को महदूद करने की ज्यादा सलाहियत शामिल है, जो मौजूदा ग्रोसरी स्टोर्स के करीब मसाबकत को बरकरार रख सकती है। फलस्तीन में मगरबी किनारे के दौरे से वापस आने वाले अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फलस्तीन में मगरबी किनारे के दौरे से वापस आने वाले अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि कनाडा को फलस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को रोकने के लिए मजीद कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मकबूजा इलाकों से परेशान कुन मनाजिर सामने आए हैं। लिबरल MP शफकत अली ने कहा हम तस्वुर नहीं कर सकते कि फलस्तीन के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं। जो हमने अपनी आंखों से देखा ये बुनियादी तौर पर मुसलसल जिल्लत और मुसलसल जहनी अजियत है। वो 3 NDP और 2 लिबरल MPs के ग्रुप में शामिल हैं जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते उर्दन में फलस्तीनी पनाह गुजीनों के साथ साथ मगरबी किनारे
और मशरकी यरूशलम में मुस्लिम वकालत ग्रुपों के मेहमानों के तौर पर मुलाकातें की। गुज़िश्ता हफ्ते के सफर के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलम जाने से पहले उर्दन में हुकाम से मुलाकातें की, जो वो इलाके हैं जिन पर इसराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। MPs ने देखा, जिसे उन्होंने अलहदगी के तौर पर बयान किया, उन पॉलिसियों के जरिए जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया, जिसे मीडिया और इंसानी हकूक के ग्रुपों ने भी दस्तावेज किया है। अराकीन पार्लियामेंट का कहना था कि उन्होंने कभी भी गैर इंसानी होने की इस सतह को नहीं देखा और ना ही उसका तस्वुर किया था। यहाँ ऐसी मायूसी है, हमले, जानी नुकसान, कम्युनिटी पर असरार, हर इमारत में गोलियों के सुराख थे, हर खानदान के हालात जिंदगी को नुकसान पहुंचा था। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनी शहरियों के दरमियान कशीदा तबादले का मुशाहिदा किया, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं। कनाडा के शहर एडमिंटन में भत्ताखोरी के वाकयात में भारत में मौजूद जराइम पेशावर अफराद के नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर एडमिंटन में भत्ताखोरी के वाकयात में भारत में मौजूद जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। एडमिंटन पुलिस ने इंकशाफ किया कि भत्ताखोरी समेत 27 जराइम की मनसूबा साजी भारत में की गई और उनका इर्तिकाब एडमिंटन में मौजूद शहरियों ने किया। एडमिंटन पुलिस आवाम से अपील कर रही है कि वो मुमकिन तौर पर भत्ताखोरी के वाकयात की इतला दें, क्योंकि अफसरान इस वक्त 27 वाकयात की तहकीकात कर रहे हैं जिन्होंने जनूबी एशियाई कम्युनिटी को मुतासर किया है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम कनाडा से फरार हो चुका है। भत्ताखोरी की वारदातों के मुतासरीन में तामीराती शोबे से वाबस्ता कैनेडियन शहरी और कारोबारी अफराद शामिल हैं। इस तरह के एक वाक्य में भत्ता ना देने पर जेर तामीर घरों को आग भी लगाई गई। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक भत्ताखोरी की इसी नौयत के एक मामले की तफ्तीश टोरंटो में भी हो रही है। पुलिस ने तस्दीक की कि वो भत्ताखोरी के कम अज कम 18 मुश्तबा केसेस की तफ्तीश कर रहे हैं। उनका कहना था कि लोग बड़ी रकम का मुतालबा करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हुए जनूबी एशियाई कम्युनिटी के कारोबारी मालिकान से राब्ता करते हैं। पुलिस ने कहा है कि बाज़ सूरतों में वो मुतासरा शख्स की ज़ाती मालूमात, जैसे कि ख़ानदान के अफराद, गाड़ियाँ और तर्ज ज़िंदगी के बारे में जानते होंगे। एडमिंटन पुलिस ने यह भी कहा है कि लोगों ने मज़ीद पैसों के लिए फॉलो अप मुतालबात किए हैं, जिसके नतीजे में तशद्दुद और फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अमरीका में तूफ़ानी बर्फबारी, सर्द मौसम और इस दौरान होने वाले हादसात से अमवात की तादाद 90 तक पहुँच गई। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। अमेरिका में तूफ़ानी बर्फबारी, सर्द मौसम और इस दौरान होने वाले हादसा से अमवात की तादाद 90 तक पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2 रियासतों ओरेगन और टेनेसी में 41 अमवात रिकॉर्ड की गई, जहां शदीद बर्फानी तूफानों के बाद हंगामी हालत नाफिज है। बर्फानी तूफानों ने बिजली की तरसील के निज़ाम को बुरी तरह मुतासर किया और मुल्क के तूलो अर्ज में लाखों अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में सर्दी की शदीद लहर रवां हफ्ते के वस्त तक जारी रहने का इम्कान है। ओरेगन और टेनेसी के अलावा इलिनॉय, पेंसिल्वानिया, मिसिसिपी, वाशिंगटन, केंटकी, विस्कॉन्सन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दीगर रियासतों में भी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ओरेगन के इलाके पोर्टलैंड में तेज़ हवाओं के बायस बिजली की लाइन की एक तार एक गाड़ी पर जा गिरी, जिसमें सवार 3 अफराद बिजली का करंट लगने से हलाक हो गए। वाकये में गाड़ी में सवार एक बच्चा महफूज रहा। केंटकी में 5 और इलिनॉय में 4 ट्रैफिक हादसात में एक शख्स की मौत वाकिया हुई। सियाटल में 4 दिनों के दौरान 5 बेघर अफराद की मौत वाकिया हुई। रियासत मिसिसिपी में इंतहाई ज़रूरत के तहत गाड़ी लेकर सड़क पर सफ़र करने की हिदायत की गई है, जबकि रियासत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है। इन हालात के दरमियान रियासत मिसिसिपी के दारुल हुकूमत जैक्सन में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई और मेम्फिस के इलाके में पानी की फराहमी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है। अलावा अजी एतवार की सपहर तक ओरेगन में तकरीबन 10,000, शुमाली कैरोलिना में 8,000, कैलिफोर्निया में 7,000 और केंटकी में 4,300 अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि माहरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि शदीद बर्फबारी के बाद रवां हफ्ते के अख्तितम पर गर्म हवा और बारिश मिड वेस्ट और शुमाल मशरकी अमरीका के कुछ हिस्सों में सैलाब का बायस बन सकती है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।